ठीक है, इसमें नाम है सोनू। आप देख रहे हैं टेक मुंबई कर, एंड आई नो इस वीडियो को लेके थोड़ा सा लेट हो गया मैं, लेकिन क्या करें यार, देर आए दुरुस्त आए। वैसे आप सभी को पता चल गया होगा कि इस वीडियो में करने जा रहा हूँ दोनों स्मार्टफोन का कंपैरिजन। एक है आईकू नियो 6 और एक है आईकू 9 SE। दोनों को लेके काफी ज्यादा आप सभी के कमेंट आ रहे थे, कई सारे लोगों को काफी कंफ्यूजन है कि यार आईकू नियो 6 लिया जाए या फिर थोड़े से पैसे को और ऐड करके आईकू 9 SE ले लिया जाए। कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है, किसका कैमरा अच्छा है, किसका परफॉर्मेंस अच्छा है, गेमिंग के लिए कौन सा स्मार्टफोन अच्छा है अंडर 30,000, डोंट वरी, सब कुछ आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, क्योंकि एक नॉर्मल वीडियो नहीं बल्कि फुल कंपैरिजन है आईकू 9 SE वर्सेस आईकू नियो 6 के बीच में। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ में अगर अभी तक आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करे तो बिहाइंड द सीन्स के लिए एंड इन्फॉर्मेटिव रील्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो कंपैरिजन ऑफ आईकू नियो 6 एंड आईकू 9 SE। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल क्विकली मैं आप सभी को इनके प्राइसिंग के बारे में बता दूं कि इनकी प्राइसिंग एक्चुअली क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आईकू 9 SE है उसकी प्राइसिंग है 34,000 rupees, और अभी करंटली जो ऑफर चल रहा है वहाँ पे आपको 2,000 का डिस्काउंट देखने मिल जाएगा। और अगर मैं सेल वगैरह के ऑफर मिला दूं तो स्मार्टफोन आपको 30,000 में भी देखने मिल सकता है। और इसके अलावा अगर बात करूं आईकू नियो 6 की तो ये स्टार्ट होता है 30,000 rupees से, और करंटली इसमें आपको 3,000 का डिस्काउंट देखने मिल जाएगा, और साथ में 3,000 का एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट देखने मिलेगा अगर आप स्मार्टफोन वगैरह एक्सचेंज करते हैं। यानी बहुत लोगों जो इसका प्राइसिंग है वो 18,000-19,000 ऐसे प्राइसिंग पे मिला है बहुत लोगों को। तो जो प्राइसिंग के मामले में अगर मैं देखूं तो आईकू नियो 6 की जो प्राइसिंग है वो आपको ओवरऑल वैल्यू के साथ में थोड़ी सी बेटर देखने मिल जाती है। और इसके अगर बात करूं दोनों के स्पेक्स की तो ये रहे स्क्रीन पे इसके स्पेक्स, आप देख सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा स्पेक्स में नहीं जाऊंगा, कुछ इधर उधर थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने मिल जाते हैं, बाकी ऑलमोस्ट जो दोनों स्मार्टफोन है वो कहीं ना कहीं सिमिलर स्पेक्स के साथ में आ जाते हैं। अगर मैं बात करूं बैटरी की तो थोड़े बहुत चेंजेस आपको यहां पे बैटरी के मामले में देखने मिल जाएंगे, बाकी इसके अलावा ओवरऑल जो स्पेक्स है वो आपको यहां पे काइंड ऑफ सिमिलर देखने मिल जाते हैं। जो बड़ा डिफरेंस है वो है प्रोसेसर के बीच में और कैमरास के बीच में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेन चीज की जिसको लेकर आप लोग काफी ज्यादा क्वेश्चन करें और आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, वो है इनका कैमरा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों के कैमरा के स्पेक्स को कंपैरिजन कर लूं तो जो आईकू 9 SE है उसमें आपको मेन कैमरा देखने मिलता है 48 MP का विद OIS, और साथ में आपको पे सोनी का सेंसर देखने मिल जाता है। वहीं पे अगर बात करूं आईकू नियो 6 की तो आपको यहां पे 64 MP का मेन कैमरा देखने मिलता है विद OIS, और साथ में आपको पे सैमसंग का सेंसर देखने मिल जाएगा। अगर बात करूं इनके कैमरा सैंपल्स की तो ये रहे स्क्रीन पे इनके कैमरा सैंपल्स, और जहां पे जो आउटपुट है वो दोनों ही कैमरा से काफी अच्छे आ जाते हैं मेन कैमरा से। अगर मैं बात करूं यहां पे डायनेमिक रेंज की तो थोड़ी सी बेटर लगी मुझे यहां पे आईकू नियो 6 की। अगर बात करूं ओवरऑल आउटपुट की तो कहीं ना कहीं दोनों में डिटेलिंग अच्छी, लेकिन जो ओवरऑल आउटपुट है वो मुझे यहाँ पे आईकू नियो 6 का थोड़ा सा बेटर लगा, क्योंकि जो स्क्रीन टोन वगैरह वो यहाँ पे थोड़ा सा बेटर आ जाता है। वहीं पे आईकू 9 SE में जो स्क्रीन टोन है वो थोड़ा सा वार्म आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी आप लोग कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको जो मेन कैमरा है उसका आउटपुट किस कैमरा का बेटर लगा, आईकू 9 SE का या फिर आईकू नियो 6 का। अगर बात करूं हाईएस्ट रेजोल्यूशन की तो आईकू 9 SE में आपको 48 MP का मेन कैमरा देखने मिलता है, और आईकू नियो 6 में आपको 64 MP का कैमरा देखने मिल जाएगा। और अगर बात करूं इनके सैंपल्स तो कहीं ना कहीं जो 64 MP कैमरा वहाँ पे आप जूमिंग थोड़ा सा ज्यादा कर पाएंगे, लेकिन जो डिटेलिंग से वो आपको 48 MP यानी आईकू 9 SE में थोड़ा सा बेटर देखने मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। वहीं पे अगर बात करूं वाइड एंगल कैमरा की तो वाइड एंगल कैमरा में जो आउटपुट है वो आपको देखने में तो काफी सिमिलर से लगेंगे, और हालांकि जो डायनेमिक रेंज है वो आपको यहाँ पे आईकू नियो 6 का बेटर देखने मिलेगा, लेकिन जैसे आप इन्हें जूम करेंगे तो जो डिटेलिंग से वो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं आईकू 9 SE में बेटर देखने मिल जाती है। लेकिन जैसे आप नाइट मोड में इनके वाइड एंगल कैमरा को यूज करेंगे तो जो डिटेलिंग से वो कहीं ना कहीं काफी सॉफ्ट हो जाती है आईकू नियो 6 में, क्योंकि इसमें 8 MP का कैमरा देखने मिलता है। और वहीं पे जो आईकू 9 SE है उसका वाइड एंगल कैमरा नाइट में काफी अच्छा परफॉर्म कर जाता है, बाकी इसके अलावा नॉर्मली नाइट मोड में दोनों के कैमरा अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। पोर्ट्रेट मोड भी काफी अच्छे आ जाते हैं इनके कैमरा से, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि अगर बात करूं पोर्ट्रेट बैकग्राउंड की तो जो आईकू 9 SE है उसका पोर्ट्रेट बैकग्राउंड मुझे यहाँ पे अच्छा लगा, लेकिन जो ओवरऑल आउटपुट है यानी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों को लेके तो वो आईकू नियो 6 में काफी बेटर आ जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। थोड़ा सा वॉमिश आपको यहाँ पे कलर देखने मिल जाएगा आईकू 9 SE में, जो कि ओवरऑल आउटपुट को थोड़ा सा अजीब बना देता है। बाकी आप लोग कमेंट में ये जरूर बताना कि दोनों में से किसका पोर्ट्रेट मोड आप सभी को अच्छा लग रहा है। अगर बात करूं मैक्रो मोड की तो क्लियरली यहाँ पे आईकू 9 SE विनर है, क्योंकि आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट के थोड़ा सा और क्लोजअप जा पाएंगे एज कम्पेयर टू नियो 6, और आपको यहाँ पे जो डिटेलिंग्स देखने मिलती है वो भी बेटर देखने मिल जाती है आईकू 9 SE में। लेकिन अगर बात करूं सेल्फी कैमरा की तो दोनों की ये आउटपुट मुझे यहाँ पे काइंड ऑफ सिमिलर देखने मिले, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको यहाँ पे सेल्फी के मामले में देखने नहीं मिलेगा, दोनों में जो इमेजेस वो काफी अच्छे आ जाते हैं, इवन जो पोर्ट्रेट मोड है वो भी काफी अच्छे से वर्क कर जाता है। वहीं पे दोनों स्मार्टफोन 4K 60fps में वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं, और ये रहे इनके वीडियो सैंपल, जैसे कि आप देख सकते हैं। स्टेबलाइजेशन आपको यहाँ पे ठीक ठाक देखने मिल जाता है 4K 60fps में, लेकिन जैसे आप यहाँ पे 4K 30fps पे या फिर स्टेबलाइजेशन मोड को ऑन करेंगे इन दोनों में आपको यहाँ पे वे बेटर स्टेबलाइजेशन देखने मिल जाएगा, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन में आपको OIS देखने मिल जाता है। और अगर बात करूं फ्रंट कैमरा के सैंपल्स की तो ये रहे इसके फ्रंट कैमरा के वीडियो सैंपल्स। सो गाइस, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहे हैं इनके फ्रंट कैमरा से, जहाँ पे आप फुल HD 30fps में वीडियोस को रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो ये एक यहाँ पे लिमिटेशन है कि इतने अच्छे प्रोसेसर होने के बाद भी
जो वीडियो है वो आपको फ्रंट कैमरा में फुल एचडी 30 fps तक कहीं देखने मिलता है। बाकी जो स्टेबलाइजेशन है वो आपको डिसेंट सा देखने मिल जाता है दोनों के फ्रंट कैमरा में, और जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो कुछ इस तरीके का आपको डायरेक्टली ऑडियो देखने मिल जाएगा इनके वीडियोस में। बाकी आप लोग कॉमेंट में बताना कि जो वीडियो क्वालिटी है वो आप सबको इसकी अच्छी लग रही है। तो अगर उनके कैमरास को लेकर कंक्लूड करो तो आप यहाँ पे iQOO 9 SE को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उनमें से जो वाइड एंगल कैमरास काफी ज्यादा कैप्चर करते हैं, मैक्रो मोड के फोटोज लेते हैं या फिर डिटेल वाले फोटो लेते हैं 48 MP वाले, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे iQOO 9 SE के लिए जा सकते हैं कैमरा के डिपार्टमेंट में। वैसे अगर आप iQOO Neo 6 का फुल डिटेल कैमरा रिव्यू देखना चाहते हैं तो इसका वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगा। और इतने ही मैंने इसका चार्जिंग टेस्ट, कैमरा रिव्यू, गेमिंग टेस्ट और ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो आपको चैनल पे वो सारे देखने मिल जाएंगे, तो उन्हें भी आप इस वीडियो के बाद में चेकआउट कर लेना। अब अगर बात करूं परफॉर्मेंस की, तो आप में से बहुत सारे लोग इनके स्पीड टेस्ट को भी लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस रहते हैं कि यार किसकी स्पीड फास्ट है, तो स्पीड टेस्ट भी मैंने यहाँ पे किया हुआ है। अगर बात करूं नॉर्मली ऐप ओपनिंग की, तो दोनों ही काइंड ऑफ सिमिलर थे। कुछ कुछ ऐप्स को iQOO Neo 6 थोड़ा सा जल्दी ओपन कर देता था और कुछ कुछ ऐप्स को यहाँ पे iQOO 9 SE थोड़ा सा जल्दी ओपन कर देता था। मिली सेकंड्स का आपको डिफरेंस देखने मिल जाएगा, बाकी ऐसे आपको कोई भी डिफरेंस देखने नहीं मिलता है। और अगर बात करूं रैम मैनेजमेंट की, तो जो iQOO Neo 6 है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर जाता है एज कम्पेयर टू iQOO 9 SE। और अगर बात करूं गेमिंग एक्सपीरियंस की, तो दोनों स्मार्टफोन में जो नॉर्मल गेम्स है उनका एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे काइंड ऑफ सिमिलर देखने मिल जाएगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने नहीं मिलेगा। लेकिन जो हाई एंड गेम है जैसे कि BGMI COD ये सारे गेम्स अगर आप खेलेंगे तो दोनों स्मार्टफोन में गेम काफी अच्छे परफॉर्म कर जाते हैं। अगर बात करूं BGMI की, तो आप यहाँ पे स्मूथ प्लस एक्सट्रीम सेटिंग तक दोनों ही गेम को खेल पाएंगे, 60 FPS का आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने मिल जाता है। इवन HDR+ एक्सट्रीम पे भी आप यहाँ पे इन गेम को खेल पाएंगे। और इन सभी के बीच में जो iQOO Neo 6 है उसके लिए आपको जल्दी 90 FPS का सपोर्ट देखने मिलेगा BGMI का अपडेट के थ्रू, लेकिन iQOO 9 SE के लिए ऐसी कोई अपडेट या फिर ऐसी कोई न्यूज वगैरह सुनाई नहीं दे रही है। और अगर बात करूं उनकी गेमिंग एक्सपीरियंस की, तो कहीं ना कहीं जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो आपको थोड़ा सा बेटर देखने मिलेगा iQOO 9 SE में, यानी अगर आप नॉर्मली गेम वगैरह खेलते हैं तो थोड़ा सा आपको बेटर परफॉर्मेंस देखने मिल जाएगा कुछ टाइम के लिए, लेकिन जैसे फोन हीट होता है तो जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं ड्रॉप हो जाता है, तो ये एक ड्रॉबैक आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। लेकिन अगर बात करूं iQOO Neo 6 की, तो कहीं ना कहीं जो इसमें आपको गेमिंग है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के हिसाब से काफी अच्छी है एंड काफी कंसिस्टेंट एंड काफी स्टेबल देखने मिल जाएगी। अगर बात करूं इसके प्रोसेसर की, तो ये बहुत ज्यादा हीट नहीं करता है, हल्का वार्म हो जाता है कभी कभी, लेकिन ये बहुत ज्यादा हीट नहीं करता, तो जो परफॉर्मेंस है वो आपको यहाँ पे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए काफी अच्छी देखने मिल जाएगी। तो चॉइस आपकी, अगर आपको हल्का सा बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस चाहिए हाई एंड गेम में तो आप इसके लिए जा सकते हैं, लेकिन अगर आप उनमें से जो लॉन्ग ड्यूरेशन तक गेमिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं जो iQOO Neo 6 है वो आपके लिए बेटर चॉइस हो सकता है। डिस्प्ले की बात करूं, तो दोनों स्मार्टफोन का आपको डिस्प्ले सिमिलर देखने मिल जाता है, हालांकि दोनों में आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने मिल जाएगा, लेकिन जो iQOO 9 SE है वहां पे आपको 300Hz का टच सैंपल रेट देखने मिलता है, और जो iQOO Neo 6 है वहां पे आपको 360Hz का टच सैंपल रेट देखने मिल जाएगा। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन में आपको इंस्टेंट टच सैंपल रेट देखने मिल जाता है गेमिंग के लिए। iQOO 9 SE में आपको 1000 और iQOO Neo 6 में आपको 1300 का इंस्टेंट टच सैंपल रेट देखने मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन में आपको वाइडबैंड L1 HDR10+ और 1300 nits का पीक ब्राइटनेस देखने मिल जाता है। और अगर बात करूं ब्राइटनेस की, तो इंडोर और इवन आउटडोर में भी हल्का सा मुझे यहाँ पे जो iQOO Neo 6 है उसका डिस्प्ले थोड़ा सा ब्राइटर लगा। बाकी इसके अलावा बाय डिफॉल्ट जो iQOO Neo 6 है उसका डिस्प्ले थोड़ा सा कूलर साइड है, और जो iQOO 9 SE है उसका थोड़ा सा वार्मर साइड है, तो कुछ इस तरह के आपको डिफरेंस देखने मिल जाएगा, बहुत माइनर से चेंजेस है, लेकिन जो iQOO Neo 6 है उसका डिस्प्ले मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बेटर लगा एज कम्पेयर टू iQOO 9 SE। बाकी इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में एक बड़ा डिफरेंस है इनके डिजाइन को लेके। वैसे तो डिजाइन काफी सब्जेक्टिव है, आप बता सकते हैं आपको दोनों में से किसकी डिजाइन अच्छी लग रही है। मुझे यहाँ पे iQOO Neo 6 की डिजाइन थोड़ी सी अच्छी लगी, लेकिन जो इसका कैमरा बम्प है वो थोड़ा सा वाइडर हो गया, थोड़ा सा ये और पतला होता तो और बेटर लगता, लेकिन एज कम्पेयर टू iQOO 9 SE मुझे यहाँ पे जो इसका डिजाइन है वो थोड़ा सा बेटर लगा। बाकी आप लोग कॉमेंट बता सकते हैं किसका डिजाइन आपको यहाँ पे अच्छा लग रहा है, iQOO 9 SE का या फिर iQOO Neo 6 का। लेकिन अब बात करूं यहाँ पे इनके मटेरियल की, तो जो iQOO Neo 6 है वहाँ पे पॉलीकार्बोनेट मटेरियल को यूज किया गया, यानी प्लास्टिक मटेरियल है, और अगर बात करूं iQOO 9 SE की, तो यहाँ पे ग्लास को यूज किया गया है, और दोनों का अपना एडवांटेज है, जैसे ग्लास बॉडी होने की वजह से वेट थोड़ा सा बढ़ जाता है और पॉलीकार्बोनेट होने की वजह से वेट थोड़ा सा लाइट वेट हो जाता है। और अगर आपके स्मार्टफोन में ग्लास बॉडी है और एक्सीडेंटली वो गिर जाता है तो कहीं ना कहीं वो क्रैक हो सकता है, लेकिन जो पॉलीकार्बोनेट है वो क्रैक नहीं होता, यानी जो उसका बैक पैनल है वो क्रैक नहीं होता है। बाकी अगर इन हैंड पील की बात करूं, तो अगर आप इन्हें बिना कवर के यूज करेंगे तो ये आपको डिफरेंस पता चलेगा, जो iQOO 9 SE वो थोड़ा सा प्रीमियम फील होता है क्योंकि आपको ग्लास बॉडी देखने मिल जाता है, वहीं पे जो iQOO Neo 6 है वो आपको थोड़ा सा लाइट वेट फील होगा, लेकिन देखने में एंड यूज करने में आपको एज सच कोई बड़ा डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा। और फर्स्ट टाइम में आप भी गेस ना कर पाए कि कौन सा प्लास्टिक है और कौन सा पॉलीकार्बोनेट है, क्योंकि दोनों का बैक काफी अच्छा लगता है, दोनों की बैक साइड में आपको मैट फिनिशिंग देखने मिल जाता है, फिंगरप्रिंट स्मजेस वगैरह नहीं लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो iQOO Neo 6 है वो ओवरऑल काफी अच्छा लुक देता है। लेकिन इन सबके अलावा जो ग्लास बैक है उसका इन हैंड फील कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको प्रीमियम फील कराएगा एज कम्पेयर टू पॉलीकार्बोनेट। अब दोनों स्मार्टफोन के बीच में एक ऐसा डिफरेंस है जो कि कुछ लोगों के लिए काफी अच्छा हो सकता है और कुछ लोगों को इससे फर्क भी ना पड़े। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आयर ब्लास्टर की, यानी iQOO Neo 6 में आपको आयर ब्लास्टर देखने मिल जाता है, जिसे यूज करके आप टीवी, AC या फिर ऐसे बहुत सारे गैजेट को
कंट्रोल कर सकते हैं और ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आपके डेली लाइफ में ऐसे सारे गैजेट्स हैं जिन्हें आप रिमोटली कंट्रोल करना चाहते हैं तो आईक्यू म्यू 6 में आपको ये फीचर देखने मिल जाता है जो कि आईक्यू 9 SE में मिसिंग है। बाकी इसके अलावा दोनों में आपको टाइप सी पोर्ट देखने मिलता है। 3.5mm ऑडियो जैक दोनों स्मार्टफोन में देखने नहीं मिलता है। और वहीं पर अगर बात करूं स्पीकर्स की तो यार दोनों में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने मिल जाते हैं। लेकिन अगर बात करूं लाउडनेस की तो कहीं ना कहीं जो आईक्यू म्यू 6 है वहां पे लाउडनेस थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा सा बेटर देखने मिल जाएगा एज कम्पेयर टू आईक्यू 9 SE। इन सब के अलावा अगर बात करूं नेटवर्क की, कॉलिंग की एंड 5G बैंड्स की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आईक्यू 9 SE में आपको 8 5G बैंड देखने मिल जाता है और वहीं पे आईक्यू म्यू 6 में आपको 4 5G बैंड देखने मिल जाता है। अब ये काफी ज्यादा डिबेटेबल है यार कि कौन सा 5G बैंड इंपॉर्टेंट है और कौन सा इंडिया में आने वाला है। लेकिन यहाँ पे बात करूँ 5G बैंड्स की तो आईक्यू 9 SE में आपको 8 5G बैंड देखने मिलेगा और इसमें आपको 4 5G बैंड देखने मिल जाता है। अब जहां तक मुझे लगता है कि जो N77 और N78 है ये वाले 5G बैंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर आपके स्मार्टफोन में ये वाले 5G बैंड है तो आपको 5G को लेकर इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी चॉइस आपकी, अगर आपको ज्यादा 5G बैंड चाहिए तो आईक्यू 9 SE आपको ज्यादा 5G बैंड दे देता है। वहीं पे अगर बात करूँ कॉलिंग की तो दोनों में आपको कॉलिंग एक्सपीरियंस अच्छा देखने मिल जाता है। ऐसा आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इनडोर एज वेल एज आउटडोर। और इसके अलावा दोनों में आपको 4G प्लस यानी कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट देखने मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर्स की बात करूं तो दोनों स्मार्टफोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर साथ में फेस अनलॉक देखने मिल जाएगा और दोनों स्मार्टफोन के जो फिंगरप्रिंट स्कैनर का स्पीड है वो आपको पे काइंड ऑफ सिमिलर देखने मिल जाता है। सेम टाइम पे दोनों ये ओपन हो जाते हैं और काफी अच्छा परफॉर्मेंस आपको पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का देखने मिल जाएगा। साथ में जो फेस अनलॉक है वो भी आपको पे सिमिलर देखने मिल जाता है। सिक्योरिटी के मामले में फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड फेस अनलॉक दोनों स्मार्टफोन का काफी फास्ट है। इनके अलावा अगर बात करूं बैटरी डिपार्टमेंट की तो आईक्यू 9 SE में आपको 4500mAh की बैटरी पिकअप देखने मिलती है। साथ में 66W का आपको चार्जर देखने मिल जाएगा बॉक्स के अंदर इसे चार्ज करने के लिए। वहीं पे आईक्यू न्यू 6 में आपको 4700mAh की बैटरी पिकअप देखने मिल जाएगी। बैटरी कैपेसिटी थोड़ी सी ज्यादा है, साथ में 80W का चार्जर देखने मिल जाता है। तो बैटरी के मामले में और चार्जिंग के मामले में थोड़ा सा आपको वहाँ पे बेटर परफॉर्मेंस देखने मिल जाएगा आईक्यू न्यू 6 में। तो जो बैटरी वाला डिपार्टमेंट है वहाँ पे जो आईक्यू न्यू 6 है वो थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर जाता है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ आपको वहाँ पे देखने मिल जाएगी और साथ में जो चार्जिंग स्पीड है वो भी आपको फास्ट देखने मिल जाता है आईक्यू न्यू 6 में। वैसे अगर आपने इसका चार्जिंग टेस्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद में उसे देख लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगा। अब इतनी लंबी चौड़ी बातें तो मैंने आप सभी को बता दी, लेकिन फाइनली अगर बात करूं कंक्लूजन की यार कि दोनों में से कौन सा बेस्ट है, कौन सा आप सभी को लेना चाहिए, तो इन माय ओपिनियन दोनों ही स्मार्टफोन अलग अलग सेगमेंट के हैं। अगर बात करूं अंडर 30,000 तो जो आईक्यू 9 SE उसकी प्राइसिंग 34,000 है और अभी अगर करंटली डिस्काउंट देख लिया जाए तो भी जो उसकी प्राइसिंग देखने मिलती है वो मिलती है 31,999 रुपीज। तो कहीं ना कहीं जो इसकी प्राइसिंग वो थोड़ी सी ज्यादा है। सेल वगैरह में शायद से आपको 30,000 का देखने मिल जाए लेकिन करंटली 32,000 का आपको स्मार्टफोन देखने मिल जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेंड कर सकते हैं, आपको प्रीमियम फील चाहिए, वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो मोड कैमरा थोड़ा सा बेटर चाहिए और साथ में आपको गेमिंग एक्सपीरियंस थोड़ी सी बेटर चाहिए तो आप यहाँ पे डेफिनेटली स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं, आईक्यू 9 SE की तरफ जा सकते हैं। लेकिन वहीं पे मेरा मानना ये भी कि जो आईक्यू न्यू 6 है वो अंडर 30,000 वाला स्मार्टफोन है जो कि आपको डिस्काउंट के साथ में अच्छी प्राइसिंग पे यानी और भी अच्छी प्राइसिंग पे देखने मिल सकता है। और अगर आप अपने पुराने फोन को एक्सचेंज करते हैं इसके साथ में तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ में ये स्मार्टफोन 18-19,000 तक का भी देखने मिल सकता है। तो उस वैल्यू पे तो आपको काफी क्लियर डील देखने मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको नॉर्मली डिस्काउंट के साथ में तो स्मार्टफोन आपको 27,000 का नॉर्मली डिस्काउंट के साथ में देखने मिल जाएगा एज ऑफ नाउ। और इस प्राइसिंग पे ये स्मार्टफोन काफी अच्छा वैल्यू फॉर मनी आपको पैकेज दे देता है। ऑलराउंडिंग स्मार्टफोन आपको देखने मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ कैमरा, परफॉर्मेंस, बैटरी, चार्जिंग, डिस्प्ले, सब कुछ आपको बेटर देखने मिल जाता है आईक्यू न्यू 6 में। फाइनली मैं यही कहना चाहूंगा कि दोनों का सेगमेंट थोड़ा थोड़ा अलग है। अगर आप यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेंड करना चाहते हैं तो आईक्यू 9 SE की तरफ जा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है वो कहीं कहीं आईक्यू न्यू 6 यहाँ पे निकल के आ जाता है अंडर 30,000। बाकी ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, कई सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे कवर किया है और फुल कंपैरिजन किया है दोनों स्मार्टफोन का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना और कमेंट कर बताना कि आपको दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन अच्छा लगा और ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा। बाकी मैंने यहाँ पे आईक्यू न्यू 6 का अनबॉक्सिंग, फर्स्ट इंप्रेशन, चार्जिंग टेस्ट, कैमरा टेस्ट, गेमिंग रिव्यू, ऐसे बहुत सारे वीडियोस बना के ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किए हुए, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में और चैनल पे देखने मिल जाएगा, तो उन्हें भी आप चेकआउट कर लेना। और अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं देन मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। और मैं मिलता हूँ ऐसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।